ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। आज हमारी काउ जो है वो अलताला के पास चली जाएगी। मैं जैसे ही अपनी काउ के नीचे देखने के लिए आई, मैं ये देख के थोड़ी सी सैड हो गई कि हमारी काउ रो रही थी। सब लोगों को 10 बजे का टाइम दिया था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आना स्टार्ट हो गए थे। मैंने अलियान को बोला सबको जूस पिलाएं, लेकिन उसने सबसे पहले खुद पिया, बाद में सबको पिलाया। अभी जो है वो हमारी काउ को पिलाने के लिए स्ट्रगल हो रही है कि हमारी काउ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा डर रही थी और किसी को अपने करीब नहीं आने दे रही थी। आप लोग लॉन्ग व्लॉग में देखेगा काउ को कितनी मुश्किल से सबने गिराया था। फिर क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की काउ कट गई। और काउ कटने के बाद लेडीज का क्या काम होता है, किचन में आना, और जेंट्स का काम होता है बस बैठ के खाना। यहाँ पे सब कलेजी बना रही। बस फिर क्या, अभी जो है वो लेडीज का टाइम है कसाई बनने का। मैं अपनी नंद के साथ थोड़ा सा लड़ाई करते हुए यहाँ पे गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने का सबके लिए शॉपर बना रही थी। उसके बाद बस फिर खाना बन गया, लेडीज के लिए खाने लगा है, जेंट्स ऑलरेडी खाना खा चुके थे। अभी शाम का वक्त है, मैं इस वक्त उस जगह पे वीडियो बना रही हूँ जहाँ हमारी काउ बंधी होती थी। मैं थोड़ी सैड हूँ क्योंकि हमारी काउ नहीं है, मैं उसको याद कर रही हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे खुशी है कि वो इस वक्त जन्नत में आराम कर रही है। लेकिन हाँ, वो अपनी निशानी छोड़ गई है जिसको देख देख के हम लोग उसको याद करते रहेंगे।